I am a professional actor and model, that's why I have to keep entire knowledge about fashion. You may check it out my Instagram ID, you will get the link video description. Thank you. ये काफ़ी देर तक आपकी नोज इसे होल्ड कर सकती है, इससे आपके यहाँ निशान नहीं होंगे। सा इसका पूरा कर्व होता है और अच्छे से आपकी नोज के ऊपर सेट हो जाता है ये हिस्सा, आप देख सकते हैं। स्पोर्टी लुक में भी आपको मिल जाएगा वेफर ग्लासेस में। नेक्स्ट है क्वाड्रेंट सनग्लासेस। भी आप सनग्लासेस पहने तो इसे आप बिल्कुल इस तरह से टच ना करें यहाँ तक। नेक्स्ट है शीट एविएटर, तो ज़्यादा सन रेजिस से बचाता है, आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा इनहेंस कर देते हैं, आपको मेंस लुक देते हैं, बिल्कुल मैच्योर लुक देते हैं। नेक्स्ट है मर्करी कोटेड सनग्लासेस। ये सनग्लासेस इन्हें आप रात में भी पहन सकते हो, पार्टीज में भी पहन सकते हो। ये स्टाइल में छोटा था तो स्कूल में क्या करता था, रजनीकांत स्टाइल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 तरह के सनग्लासेस के बारे में कि हमें कब, कहाँ और कौन सा पहनना चाहिए, और सनग्लासेस के बारे में काफ़ी डीप इन्फॉर्मेशन जो हम सभी के पास होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास सनग्लासेस के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। और वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आखिर में एक ऐसी बात बताऊंगा सनग्लासेस के बारे में जो आपकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगा देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल के ऊपर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबाएं, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं फैशन, ग्रूमिंग, फिटनेस एंड मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि बात कर रहे थे सनग्लासेस के बारे में, तो नंबर 1 है वेफेयर। ये सनग्लासेस किसी भी एज ग्रुप में आप पहन सकते हो, काफ़ी रफ एंड टफ सनग्लासेस होते हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम तक भी आप इसे पहनते हो तो आपके यहाँ पर निशान नहीं होते, क्योंकि ये कंप्लीट प्लास्टिक बॉडी से बने होते हैं। आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा है इसका पूरा कर्व होता है और अच्छे से आपकी नोज के ऊपर सेट हो जाता है ये हिस्सा, आप देख सकते हैं इस तरह से। और इसको काफ़ी देर तक आप पहने तो ये आपके निशान नहीं करेंगे और काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, बिल्कुल लाइट वेट होते हैं, पूरी प्लास्टिक बॉडी से बने होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। और दूसरी चीज़, वेफेयर सनग्लासेस में आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब आपको ये अलग तरीके का भी मिल सकता है, ये स्पोर्टी लुक में भी आपको मिल जाएगा वेफेयर ग्लासेस में। इसमें 2 रंग आप देख सकते हैं इस ग्लास में, ये पूरा प्लास्टिक बॉडी में है, ये भी प्लास्टिक बॉडी में है। ये जो हिस्सा है ये आपकी नोज को बिल्कुल भी हार्म नहीं करता है और काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, काफ़ी लॉन्ग समय के लिए आप इसे पहन सकते हो। आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो या कोई गेम्स खेल रहे हो या बाहर घूमने के लिए जा रहे हो तो भी ये वेफेयर ग्लासेस आप यूज़ कर सकते हो, तो वेफेयर ग्लासेस आपके पास होने चाहिए। और वेफेयर ग्लासेस का लुक भी काफ़ी कूल आता है। नेक्स्ट है क्वाड्रेंट सनग्लासेस, आप देख सकते हैं यह है क्वाड्रेंट सनग्लासेस। ये लगभग वेफेयर सनग्लासेस की तरह ही होते हैं, लेकिन ये थोड़े से स्क्वायर में होते हैं और थोड़े से ब्रॉड होते हैं सेंटर से। इन्हें भी आप उसी तरह से पहन सकते हो, लंबे समय तक आप इसे पहन सकते हो, इससे भी आपकी इस नोज के ऊपर ज़्यादा निशान नहीं होंगे, ज़्यादा नोज को हार्म नहीं करेंगे। और ये काफ़ी आईज़ को भी अच्छे से कवर कर लेता है और सन रेजेस से भी आपकी आईज़ को बचाता है, जिससे आपके नीचे की तरफ डार्क सर्कल नहीं होते, तो ये ग्लासेस भी आप पहन सकते हो। नेक्स्ट है शीट एविएटर, ये आप देख सकते हो ये भी इस तरह के आते हैं, ये भी प्लास्टिक बॉडी में आते हैं और इसे भी आप काफ़ी लंबे समय तक पहन सकते हो, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी में काफ़ी लाइट वेट होते हैं और इनका ग्लास जो है ये काफ़ी बड़ा होता है, तो आपकी आईज को बहुत ज़्यादा सन रेजिस से बचाता है, काफ़ी दूर के हिस्से तक आपके डार्क सर्कल नहीं होते और काफ़ी लंबे समय तक आप इसे पहन सकते हैं। इसे भी बाइक पे पहन सकते हैं या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हो, टूर पे जा रहे हो तो इसे आप ले जा सकते हो जहां बहुत ज़्यादा गर्मी है या फिर आपको धूप में चलना पड़े, तो ये सनग्लासेस भी आप पहन सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एविएटर। ये सनग्लासेस ऐसे सनग्लासेस हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा इनहेंस कर देते हैं, आपको मेंस लुक देते हैं, बिल्कुल मैच्योर लुक देते हैं। ये सनग्लासेस भी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा पहने जाते हैं। आप ये सनग्लासेस एक तो वेफेयर और दूसरा एविएटर, इस तरह की 2 तरह के सनग्लासेस आप रख सकते हैं, रफ एंड टफ इन्हें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एविएटर का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये थोड़े से नाजुक होते हैं और उन्हें बहुत ही सेफली से उतारना चाहिए और पहनना चाहिए, सिंगल हाथ से इन्हें नहीं पहनना चाहिए। अगर सिंगल हैंड से हम पहने तो इनका
टूटने के चांसेस हो जाते हैं या फिर बैंड होने के चांसेस हो जाते हैं। थोड़े से अगर ये बैंड हो जाते हैं तो फिर इनको सीधा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें इनको थोड़ा सा सेफ रखें, दोनों हाथों से हमेशा उतारें और रखें तब हमेशा सेफ तरीके से रखें। दूसरा, इनके ग्लास के ऊपर कभी भी फिंगर टच नहीं करनी चाहिए, और अगर फिंगर टच होती है तो उसको आप बहुत ही सेफ्टी से क्लीन करना आपको। काफ़ी लोग सोचते हैं कि आर्मी और ऑफिसर लोग ही एविटर ग्लासेस पहनते हैं, इन्हें कोई भी पहन सकता है। वो इसलिए पहन लेते हैं इजीली क्योंकि उनको कैंटीन में थोड़े सस्ते मिलते हैं तो उनको थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। बाहर से आप लेंगे तो ये थोड़े महंगे पड़ते हैं। अगर आप रेबिन का या किसी और अच्छी कंपनी का आप लेते हो तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। बाकी ये सनग्लासेस बहुत ही शानदार होते हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी को इनहेंस करते हैं, आपका लुक भी बिल्कुल डैशिंग लुक आता है एविटर ग्लासेस के अंदर। यानी कि दो सनग्लासेस तो आप रख ही सकते हो, एक तो एविएटर जो कि आप पार्टी में जा रहे हो या कहीं ऐसे फंक्शन में जा रहे हो वहाँ पे आप पहन सकते हो, दूसरे वेफेयर कि आप कहीं भी रफ एंड टफ यूज़ करने के लिए आप वेफेयर पहन सकते हो ताकि आप कहीं भी बैग में डाल लो या कहीं भी घूम रहे हो तो वेफेयर आप यूज़ कर सकते हो, और पार्टी वगैरह के लिए या फंक्शन के लिए आप एविएटर ग्लासेस ले सकते हो। नेक्स्ट है सेमी एविएटर। ये सनग्लासेस भी एविएटर की तरह ही लगते हैं और ये सनग्लासेस भी आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा इनहेंस कर देते हैं। इस तरह के सनग्लासेस भी आप पहन सकते हो, इनमें भी काफ़ी अच्छा लुक आता है और आपको आईज को सनरेज से ये भी सनग्लासेस बचाते हैं। और नेक्स्ट है मर्करी कोटेड सनग्लासेस। ये सनग्लासेस मर्करी कोटेड होते हैं लेकिन ये सनग्लासेस सिर्फ फोटोशूट में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या फिर कोई पार्टी या डांस फंक्शन हो रहा है या पार्टी हो रही है या कोई डिस्को पार्टी है वहाँ पे आप पहन सकते हो, नॉर्मली आप पहन सकते हो थोड़ा सा एंजॉय के लिए, या फिर फोटोशूट हो रहा है तो ये मर्करी कोटेड ग्लासेस अच्छे लगते हैं। एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ सनग्लासेस के बारे में, जब भी आप सनग्लासेस पहने तो इसे आप बिल्कुल इस तरह से टच ना करें, यहाँ तक एंड तक अगर ये टच हो जाते हैं तो आपका लुक इतना अच्छा नहीं आता है। आप इसे पूरा टच करने के बाद थोड़ा सा आप इसे नीचे रखें नोज पर तो ये आपके लुक को थोड़ा सा और अच्छा कर देता है, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी और अच्छी लगती है। बिल्कुल आपको चिपकाना नहीं है इस तरह से, कुछ लोग होते हैं इस तरह से चिपका लेते हैं, आपको सनग्लासेस को इस तरह से चिपकाना नहीं है, थोड़ा सा आपको बिल्कुल थोड़ा सा आपको नीचे रखना है। इस तरह से हमेशा सनग्लासेस लगाएं तो इसका लुक बहुत अच्छा आता है और आपकी पर्सनैलिटी भी इसमें थोड़ी सी और ऑसम लगती है। और आखिरी में आपको बहुत ही ज़्यादा खास बात बताता हूँ जो कि आपने कुछ सनग्लासेस में देखी होगी, जैसे कि ये अभी आप देख सकते हो मैंने ये सनग्लासेस पहना हुआ है। इसके अंदर आप मेरी आईज को अच्छे से देख सकते हो, आँखों को आप अच्छे से देख सकते हो। ये इस तरह के जो सनग्लासेस होते हैं, ये इन सनग्लासेस को आप एयरपोर्ट पर या फिर आप बाहर कहीं जा रहे हो या फिर स्टेशन पे हो, एयरपोर्ट पे हो या फिर नाइट का समय है पार्टी में हो तो भी आप इस तरह के सनग्लासेस पहन सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप धूप में ही पहनो या सन के सामने ही पहनो, दिन में ही पहनो, इन्हें आप रात में ही पहन सकते हो, पार्टीज में ही पहन सकते हो, एयरपोर्ट पे जा रहे हो एयरपोर्ट पे ही पहन सकते हो, तो ये सनग्लासेस काफ़ी अच्छे लगते हैं इस तरह के, तो इस तरह का सनग्लासेस भी आप ले सकते हो। दूसरी चीज, आप कोशिश करें जो भी सनग्लासेस आप लें उनके अंदर आपकी आंखें आर पार दिखनी चाहिए, या अगर बहुत ज़्यादा धूप में जा रहे हो तो उसके लिए तो आपको बिल्कुल डार्क आपका ग्लास होना चाहिए, लेकिन आप धूप में नहीं जाना है आपको या फिर नॉर्मल कहीं पार्टीज में जा रहे हो या कहीं फंक्शन में जा रहे हो तो आपकी आंखें अगर सन ग्लास के आर पार अगर दिखती है तो उससे आपका लुक थोड़ा सा और इन्हेंस हो जाता है, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी और अच्छी लगती है, और आपकी आंखों से आप किसी को भी देखते हो तो उस बंदे को पता लगता है कि ही इज़ जस्ट वॉचिंग मी। तो कोशिश करें कि इस तरह के ग्लास का आप वेफेयर में भी इस तरह के आते हैं, आप देख सकते हैं, आप देखिए ये मेरा सनग्लासेस है, इसमें भी आपको आईज़ मेरी आँखें नज़र आएगी। हो सकता है कैमरे में इतना अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा हो लेकिन नॉर्मली इसके अंदर भी मेरी आँखें नज़र आती है अगर मैं कहीं देखता हूँ तो, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी मेरी आंखें नजर आएगी। जिस सनग्लासेस में आंखें नजर आती है उसमें लुक थोड़ा सा और अच्छा आता है और पर्सनैलिटी आपकी थोड़ी सी और इनहेंस हो जाती है। तो कोशिश करें कि अगर आप धूप में जाने वाला आप अपना सनग्लासेस अलग रखें और जो नॉर्मल पार्टीज में जाते हो या कहीं फंक्शन में जा रहे हो तो आप इस तरह का सनग्लासेस पहने जिनके अंदर आपकी आंखें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपकी दिखाई दे। और आप देख सकते हो एविएटर के अंदर भी मेरे पास इस तरह का ग्लास है जिसमें आईज आर पार देख सकते हैं। आप जब मार्केट में जाओगे या शॉप पे जाओगे तो आप खुद देखोगे कि किस में आपकी आईज अच्छे से दिखाई दे रही है तो आपको पता लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो में आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अब तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाइएगा, वहाँ फॉलो कीजिएगा, वहाँ भी मैं नए नए अपडेट्स डालता रहता हूँ मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में और काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली नॉलेज मैं उसके अंदर डालता रहता हूँ। और आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम में भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you very much.